नमस्कार दोस्तों, वॉइस ऑफ जैसलमेर में आपका स्वागत है। हमारे साथ में है गज सिंह जी मोहता और आप दीवान सालम सिंह जी मोहता परिवार से हैं। हमें कुछ यह अपने साथ जानकारी साझा करेंगे, तो मित्रों आज हम गज सिंह जी के साथ भी चलेंगे और हमें यह क्या बताएंगे वह बात की बात है। पहले गज सिंह जी आपका बहुत बहुत स्वागत है वॉइस ऑफ जैसलमेर में। तो गज सिंह जी आप आज हमें क्या दिखाना चाहते हैं? आज हम दिखाना नहीं चाहते हैं। अच्छा, हम आपको समझाना चाहते हैं। अच्छा, जो किसी चीज़ का कोई शब्द होते हैं उनके मीनिंग क्या होते हैं उनके बारे में हम आपसे बात करेंगे। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो कि पहले, जैसे हवेली का मतलब क्या होता है, पानी को कैसे रिसाइकलिंग करते थे, छोटी स्टेप्स क्यों होती थी, बड़ी स्टेप्स क्यों होती थी, दीवारों के कान कैसे होते थे, पानी को रिसाइकलिंग कैसे करते थे, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हमारे को आज की नई पीढ़ी को दिखाना और समझाना बहुत ही जरूरी है। तो गज सिंह जी, जैसा अभी आपने कहा कि आज जो हमारी तकनीकी का युग है, इसमें तो हमारे पास कई नई तकनीकी आ गई, लेकिन जैसे कह सकते हैं राजशाही काल में भी ये चीजें संभव थी, लेकिन उनका एक तरीका अपना एक अलग हुआ करता था। देखिए, एक इंग्लिश में कहा होता है कि ओल्ड इज गोल्ड। बिल्कुल, ये तो मैंने भी सुना है। ठीक है ना, तो ओल्ड इज गोल्ड ऐसे नहीं कहा गया है, उसमें कुछ न कुछ ऐसी क्वालिटी थी जिसको हम भूल गए। आज के टाइम में कोई हमें शक नहीं है कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, लेकिन उस समय जो था वो मैनुअल था, कोई भी काम जो है वो इंसान करता था। बिल्कुल, मैं आपकी बात के बीच में यह एक क्वेश्चन करूँगा। जैसे भी आपने हमें बताया कि उस समय में हवा, रोशनी, तो हम इसको किससे जोड़े, वास्तुशास्त्र, हवेली निर्माण, या किससे इस चीज़ को जोड़ के देखें, जो हमें आप सब्जेक्ट बताएंगे उसके बारे में? देखिए, वास्तुशास्त्र जो होता है उसका मतलब ही यही होता है कि वास्तु मतलब वास्तव में, शास्त्र जिसका हमें प्रमाण मिले। जी, तो हवा का प्रमाण हमें है, थ्रू आउट वर्ल्ड में कहीं पर भी जाइए, सनराइज और सनसेट का भी है। तो वास्तुशास्त्र जो है, पहले के लोग जो हैं बहुत ही ज़्यादा ही जानकार थे। आप पुराने जितने भी मकान में चले जाइए, आपको अगर आपके पंखा नहीं है तो भी आप रह सकते हैं, क्योंकि उसी प्रकार बनाए गए हैं। जैसलमेर के अंदर प्रत्येक मकान जो है अपने आप में ये कह सकते हैं कि ये हवेली है, क्योंकि आप सभी के यहाँ पे देखेंगे, कहीं पे भी आप जो कि आप यहाँ रहते हैं तो आप देखिए, बीच में जो है हमारा चौक है। चौक बनाने का मेन रीज़न यही होता था कि हवा आए और सूर्य का प्रकाश भी आए। बिल्कुल गज सिंह जी, आपने जो बात बताई है इस चीज़ को मैं भी देखता हूँ, और हमारे खुद के मकानों में भी ये होता है। जैसे अंदर घुसते हैं, लेफ्ट को हमारे सीढ़ियाँ चढ़ती हैं अंदर जाने के बाद में, तो यह हमारा एक जैसलमेर का वास्तुशिल्प का एक बराबर कह सकते हैं, सभी के मकानों का एक साइज भी बराबर होती थी। ठीक है, बड़ा व्यक्ति है तो उसके लिए थोड़ा बड़ा मकान होता है, तो बाकी अमूमन हम देखते हैं तो सभी के मकान एक गली में, जैसे पहले किसी समय कोलानी काटी गई हो, उस तरह से जैसलमेर का भी हम देखते हैं करीबन 17x35 का ऐसे मकान अमूमन देखने को मिलते हैं। वो सब्जेक्ट एकदम अलग ही चला गया है। नहीं, मैं ये सब्जेक्ट तो वही है, हम चलेंगे जो चीज देखेंगे, लेकिन हम ऐसी बात कर रहे हैं कि जैसलमेर को जो बनाया गया है वो बिल्कुल एक वास्तुशास्त्र के तरीके से पुराने समय में निर्माण किया गया है। बहुत ही सही बात है आपकी। हम जब हवेली पे ही आ जाते हैं तो हवेली का मतलब होता है हवा। बिल्कुल बिल्कुल, हम ठीक है, हम हवेली पे आ गए हैं मित्रों, क्योंकि हम बीच में थोड़ा सा शहर की बनावट के तरफ चले गए थे, क्योंकि हमें गज सिंह जी आज हवेली के बारे में बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। हवा और वेली का मतलब होता है सूर्य का प्रकाश। जी, जिस बिल्डिंग के अंदर पर्याप्त मात्रा में प्रत्येक हिस्से में सूर्य का प्रकाश का क्रॉस वेंटिलेशन और हवा का क्रॉस वेंटिलेशन रहेगा, पूरी बिल्डिंग फ्रेश रहेगी, उसको हवेली बोलते हैं। बिल्कुल, तो आज हमें आप हवेली बताइए। आपने जैसे अभी बता ही दिया, एकदम छोटे रूप में हमें गज सिंह जी ने बता दिया, तो गज सिंह जी आज हवेली का ही हम आज नज़ारा कर लेते हैं। चूंकि मैंने ये हवेली का मतलब आपको क्यों समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर अपन जैसे किसी नेट पे पढ़ेंगे या किताबों में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है मर्चेंट हाउस, रिचमैन हाउस, बिग हाउस कॉल्ड हवेली, बड़ा सा मकान हो या जो बिजनेसमैन है उसका हो। नहीं, ये गलत है। हवेली जो है पर्टिकुलर टाइप ऑफ द बिल्डिंग होता है, उसमें कौन रह रहा है उसका इसका कोई लेना देना नहीं होता है। ऐसा है गज सिंह जी, आपने जो बात कही है ये बिल्कुल मैं शत प्रतिशत सही मानता हूँ, क्योंकि आज का जो युग है इसमें सब लोग भाग रहे हैं,
तो हवेली का जो आपने बताया वह बिल्कुल सही है, क्योंकि आज नेट पे हम कई चीज़ें देखते हैं तो उसका सीधा सीधा आपने जैसे कहा कि एक धनवान व्यक्ति का मकान, ऐसा कुछ नहीं है मित्रों। जैसे गज सिंह जी ने बताया है कि उसमें एक हवेली का मतलब होता है जिसमें हवा का पर्याप्त आना हो, सूर्य का पर्याप्त आना हो और वास्तुशास्त्र के सब जो निवारण उस मकान में या उस एक बड़े बंगले में हो जो आपने कहा है। आज के समय में परिभाषाएं अपनी अपनी हैं लोगों की, वो अपने अपने तरीके से देते हैं और गज सिंह जी ने जो बताया वो बात अच्छी है। तो गज सिंह जी आज आप हमें हवेली बताएंगे? जरूर। तो मित्रों आज हम हवेली देखेंगे, काफ़ी बातचीत हो गई, आपका हमने समय लिया है, फिर चलते हैं हवेली की तरफ। इसको बोलते हैं सालम सिंह की हवेली। हवेली का मतलब होता है हवा और देवी का मतलब होता है सूर्य का प्रकाश। जिस बिल्डिंग के अंदर पर्याप्त मात्रा में प्रत्येक हिस्से में सूर्य का प्रकाश का क्रॉस वेंटिलेशन और हवा का क्रॉस वेंटिलेशन रहेगा, पूरी बिल्डिंग फ्रेश रहेगी, उसको हवेली बोलते हैं। ये मैंने क्यों एक्सप्लेन किया हूँ, क्योंकि अगर आप किसी किताब में पढ़ेंगे, नेट पे पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा हुआ है मर्चेंट हाउस, रिचमैन हाउस और बिग हाउस कॉल्ड द हवेली, गलत है वो। हवेली जो है पर्टिकुलर टाइप ऑफ द बिल्डिंग होता है, उसमें कौन रह रहा है उसका इसका कोई लेना देना नहीं होता। सालम सिंह जो कि दीवान थे 18वीं शताब्दी के, लेकिन हम जब बिल्डिंग की बात करेंगे तो बिल्डिंग है 16वीं और 17वीं शताब्दी की। पहले इसका नाम था जहाज महल। जब हम इसको बाहर से देखेंगे तो इसका जो सेफ है वो जहाज नुमा बना हुआ है। दूसरा इसका नाम है कमल महल, तीसरा मोती महल और चौथा सालम सिंह की हवेली। तो 400 साल पहले आम पब्लिक जो है वो किले के अंदर रहती थी। ये पहली बिल्डिंग बनाई गई किले के बाहर की, जहाँ बाहर में सिटी देख रहे हैं, यहाँ पे पहले पूरा डेजर्ट एरिया था। तो आप लोगों को पता होगा डेजर्ट है तो पीने के लिए पानी का भी अभाव रहता है और उस समय सीमेंट नहीं होती थी, तो ये बिल्डिंग बनाई गई है बिना पानी और बिना सीमेंट की बनी बिल्डिंग देख रहे हैं आप। इसको बनाया गया पत्थर, लोहा और लकड़ी से। दो पत्थरों को ज्वाइंट करने का काम किया लोहे ने और सीलिंग बनाए लकड़ी का। तो जैसे आज के टाइम हम फर्नीचर बनाते हैं या इलेक्ट्रिक के सॉकेट होते हैं या लेगो टॉय होता है, सेम उसी सिस्टम से ये बिल्डिंग बनाया गया। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक पत्थर में खांचा होता है और दूसरे में एक्सस टोन, एक दूसरे को इंटरलॉक करके ऊपर से ज्वाइन करते हैं आयरन रॉड से, कभी कभी अंदर में ज्वाइन करते हैं आयरन रॉड से, कभी कभी आयरन रॉड एंड स्टोन टॉप ईच अदर से, जैसे रिंग पहनते हैं उंगली में। तो जिस प्रकार हम फर्नीचर को या इलेक्ट्रिक के सॉकेट को बिना तोड़े खोल सकते हैं, उसी प्रकार इस बिल्डिंग को भी हम आज भी बिना तोड़े खोल सकते हैं और वापस वैसे वैसी बना सकते हैं।